दोस्तों, अजय देवगन की भोला मूवी ने हम सब दर्शकों के दिल जीत लिए हैं। इस फिल्म की सुपर डुपर ओपनिंग्स हो चुकी है और यह फिल्म सबको पसंद भी आ रही है। भोला फिल्म में भोला की छोटी बेटी का किरदार, छोटी बेटी यानी कि ज्योति का किरदार, जिस छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची ने निभाया है, उसका आज हम जीवन परिचय करने वाले हैं। इस छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी और मासूम लड़की ने हम सब के दिल जीत लिए हैं। ज्योति का असली नाम है हिरवा त्रिवेदी। हिरवा का जन्म 18 अप्रैल 2014 को राजकोट गुजरात में हुआ था, यानी कि अभी वो सिर्फ 9 साल की ही है। अभी हिरवा राजकोट के एक स्कूल में स्टडी कर रही है। हिरवा की फैमिली के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। हिरवा की माँ का नाम है सोनल त्रिवेदी और पिताजी का नाम है समीर त्रिवेदी। हिरवा को एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है खंजानी त्रिवेदी। हिरवा ने अपने करियर की शुरुआत एक टेलीविजन शो से की थी, दिल जैसे धड़के धड़कने दो, जो कि 2020 में स्टार प्लस पर आया था। और इस शो में हिरवा ने इति राय का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। उसी साल यानी कि 2020 में ही हिरवा ने और एक शो में काम किया जिसका नाम था गुम है किसी के प्यार में, और वो भी स्टार प्लस पर ही शो दिखाया जा रहा था। और यहाँ पर हिरवा ने हरिणी देशपांडे का रोल अदा किया था। आगे चल के 2021 में हिरवा ने सोनी सब पर एक शो में काम किया जिसका नाम था शुभ लाभ आपके घर में, और इसमें हिरवा ने किरदार निभाया था श्री का, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। और 2021 में ही जी टीवी पर हिरवा ने काशीबाई बाजीराव बल्लाड़ में भी काम किया था। वेब सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो 2022 में हिरवा ने एमएक्स प्लेयर पर एंटी 2020 इस वेब सीरीज में काम किया था। अब 2023 में हिरवा पूरे भारत में भोला इस मूवी में ज्योति का किरदार निभाकर परिचित हो गई है, और यह उनकी पहली ही फिल्म है। लेकिन पहली फिल्म में ऐसा लगता भी नहीं कि उन्होंने पहली बार ही फिल्म में काम किया हो। इतनी मासूमियत से उन्होंने अच्छे से काम किया है कि सभी दर्शकों ने उनका यह काम पसंद किया है। तो हिरवा को उनके करियर के लिए, उनके भविष्य के लिए हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।